हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज सूरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन धीरज सूरी क्लासेस. सो नाउ टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इट इज ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड. वेल, इन दिस सीरीज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वी हैव टू डिस्कस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, देन वी हैव टू डिस्कस मैकॉली ड्यूरेशन एंड वी हैव टू डिस्कस मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इम्यूनाइजेशन, वो सब पढ़ेंगे हम लोग. लेकिन आज की क्लास मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड के ऊपर. मैंने कहा ड्यूरेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इंटरेस्टिंग इसलिए कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्यूरेशन निकालनी आती है, लेकिन ड्यूरेशन है क्या ये नहीं पता होता. एक रटी रटाई सी डेफिनेशन पता होती है, ठीक है, लेकिन पूछो मतलब, मीनिंग व्हाट डज इट मीन, तो जाके कहानी अटक जाती है. इस लेक्चर को देखने के बाद ना सिर्फ आपको ड्यूरेशन की कैलकुलेशन आती होगी, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस से आपको उसका मतलब भी पता होगा. ठीक है, वैसे तो काम सीधा सा है, लेकिन उतना सीधा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है. इसलिए मैं आपको स्लोली ये बताने की कोशिश करूंगा कि ड्यूरेशन है क्या. और कुछ पीसेस मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको जब जोड़ेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा ड्यूरेशन क्या बोलते हैं. पीसेस मतलब कंसेप्चुअल पीसेस, मैंने इसको एक ब्रेक डाउन किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, जहां से मैं फिर इसको कलेक्ट करके आपको समझाऊंगा ड्यूरेशन क्या है. पहले अगर डेफिनेशन की बात कर ले, जो बुकिश डेफिनेशन है जो बुक्स में लिखी होती है, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स दैट पेमेंट्स आर मेड. जो आपको पेमेंट्स मिल रही है उसके टाइम्स की वेटेड एवरेज है. या एक और तरह से इसको डिफाइन, ये बुक्स में लिखी होती है, ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज द वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स दैट कैश फ्लोज आर मेड, दैट पेमेंट्स आर मेड. ये डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में लिखी मिल जाएगी. ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज द वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स दैट कैश फ्लोज आर जनरेटेड, कैश फ्लोज आर मेड या पेमेंट्स आर मेड, ये कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं. मगर इसका मतलब जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसको एक और तरह से डिफाइन करता हूं, एक और तरह से मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं. मैं ऐसा कहता हूं कि ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच द टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड. ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड. और ये जो मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको दी है, ये सेकेंड डेफिनेशन क्लैरिफाई कर देगी ड्यूरेशन का मतलब क्या है. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्यूरेशन की डेफिनेशन पता होती है, इसका जो मैकेनिकल पार्ट है जहां से इसको कंप्यूट किया जाता है वो भी पता होता है, मगर ये नहीं पता होता मतलब क्या है. तो मैंने जैसे कहा, बात उतनी मुश्किल नहीं है मगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे हम समझेंगे. पहले समझ रहे हैं आप लोग क्या, ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड. मैंने टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड कहा है, इज रिसीव्ड नहीं कहा, जानबूझ के नहीं कहा, क्योंकि रिसीव्ड का मतलब कुछ और है, अचीव्ड का मतलब कुछ और है. अभी एंड में जाके समझ जाएंगे, मैं इस बात पे लौट कर आऊंगा, अचीव्ड क्यों कहा था उस समय, रिसीव्ड क्यों नहीं कहा था. सो ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच द टारगेटेड कैश फ्लो ऑफ ए बॉन्ड इज अचीव्ड. और ये टारगेटेड कैश फ्लो क्या है, टारगेटेड कैश फ्लो इज द सम टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट्स विच आर टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द बॉन्ड. ठीक है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं उनका सम टोटल टारगेटेड कैश फ्लो है. अब क्योंकि ये कहानी नंबर्स की है, तो नंबर्स को लाए बिना समझ में नहीं आएगी, तो मैं नंबर्स को लेकर आता हूं. उससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं, एक फॉर्मूला देना चाहता हूं मैं आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का. मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम्स हैं टी नॉट से टी के तक, और वहां पे कुछ आपको पेमेंट्स मिल रही हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज टी नॉट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एट टी नॉट प्लस टी वन इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एट पीरियड टी वन अप टू
टी के इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एट टी के डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दिस इज दिस प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी नॉट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बार बार ये वी लिखना भूल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी वन प्लस अप टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी के। इसको हम लोग प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को देख के आपके हमने कई सवाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है? ये क्यों लिखा फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है? अभी उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा वन बाय वन। अभी आप फॉर्मूले को फेस वैल्यू पे नोट कर लो, अपने पास फॉर्मूला है, नोट कर लिया। मैं अभी अपनी डेफिनेशंस के साथ आपको मैच करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा एक एक बात की क्या है, फिलहाल नोट कर लीजिए, ठीक है? और इसको नोट करने के बाद मैं एक बात आपको और बोल देता हूं कि ये जो ड्यूरेशन है ये बॉन्ड की मैच्योरिटी से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैच्योरिटी। ये हमेशा बॉन्ड की मैच्योरिटी से या तो कम होगी या मैच्योरिटी के बराबर होगी। कहां कम होगी कहां बराबर होगी, इस बात का जिक्र मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं, एंड में जाके करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लास्ट में जब आप समझ जाएंगे ड्यूरेशन क्या, तब करूंगा, ठीक है? तो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन से मैं अपनी बात शुरू करता हूं और उसी क्वेश्चन से मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, पहले एक बार क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है? एक क्वेश्चन है जी, पढ़ते हैं। 8% बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 एंड मैच्योरिटी एट थर्ड ईयर एंड, 3 साल की मैच्योरिटी है। YTM इज 10%, फाइंड प्राइस ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। पहली बात ये 8% बॉन्ड का क्या मतलब है, 8% बॉन्ड का मतलब ये है कि इस बॉन्ड पे 8% का कूपन मिलता है, हर साल आपको 8% मिल जाएंगे, ठीक है? दूसरी बात, फेस वैल्यू इसकी 1000, इसका मतलब क्या है कि जब मैच्योरिटी आएगी थर्ड ईयर के एंड में, जो उसने बोला थर्ड ईयर एंड में, तो आपको 1000 रुपए भी मिल जाएंगे। और ये जो इकोनॉमिक एजेंट है जिस जो इसमें पैसा लगा रहा है, वो अगर इस बॉन्ड में पैसा ना लगाए और कहीं और लगाए तो वो 10% की रिटर्न कमा सकता है। तो उसकी YTM यील्ड टिल मैच्योरिटी 10%, यानी अगर यहां पैसा ना लगाकर वो किसी और जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा तो 10% की रिटर्न वो कमा सकता है, राइट? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालिए और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालिए। कुछ बच्चों को मुझे सवाल आएगा, सर आपने मतलब तो बताया नहीं ड्यूरेशन का। सर इस क्वेश्चन से ही मतलब समझ में आएगा, ठीक है? डेफिनेशन मैंने लिखवा दी आपको, आपने लिख भी ली, अब इस क्वेश्चन से मीनिंग के ऊपर मैं आपको लेकर जाऊंगा। देखिए जी, तो अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का उसका मैच्योरिटी है, 3 साल लिख दिए। फिर हम लेते हैं कैश फ्लो, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको आपने 1000 रुपए का जो बॉन्ड है उसका 8%, आपने 1000 रुपए नहीं दिए बॉन्ड के लिए, कितने पैसे दिए वो हमें निकालना है यहां पे, मगर जो फेस वैल्यू है कूपन उसी पे मिलता है। जो 1000 की फेस वैल्यू आपको फर्स्ट ईयर के एंड में 1000 का 8% ऑफ 1000 मिल जाएगा, जो 80 रुपीज है। सेकेंड ईयर के एंड में आपको फिर से कूपन मिलेगा 80 रुपीज का, और थर्ड ईयर के एंड में कूपन भी मिलेगा और साथ में ये 1000 रुपीज का जो बॉन्ड है ये पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, थर्ड ईयर में क्या मिलेगा आपको 1080, ये पैसे आपको तीनों साल मिलेंगे, 80 रुपीज फर्स्ट ईयर में, 80 रुपीज सेकेंड ईयर में और 1080 थर्ड ईयर में। अब ये जो हमारा YTM है इससे हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या निकालते हैं जी, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, यानी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 1/1 r^2 फर्स्ट ईयर में, तो 1/1 r^1, सेकंड ईयर में 1/1 r^2, थर्ड ईयर में 1/1 r^3, इससे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैलकुलेटर मुझे अलाउड है एग्जाम में, मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं जी यहां पे, ठीक है? तो 1/1
10% था ना, तो 1.1 0.1 फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पावर 1 ही रखनी है तो यही रहेगा. 0.90909 तो 0.909. सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में 1/1.1 की पावर 2 करना है, 1/1.1 का स्क्वायर, ये आएगा 0.82644. 0.826 ले लेते हैं. थर्ड ईयर में 1/1.1 का क्यूब करना है, रेज टू पावर 3, ये 0.75131 है, 0.751 लेते हैं. ठीक है, ये मेरे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. अब मुझे इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है, यानी एक साल बाद जो मुझे 80 रुपए मिलेंगे उसकी आज की डेट पे वैल्यू क्या. सिंपल सा फॉर्मूला आप जो जानते हैं, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 80/1+r, या फिर मैंने क्या किया, 1/1+r निकाल दिया, 80 × 1/1+r, सेकंड ईयर की 80 × 1/1+r का स्क्वायर, यानी ये जो कैश फ्लो है इनटू अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अब ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जी मेरे पास, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 80 × 0.909, 80 × 0.909 ये आ रहा है 72.72. अच्छा जी, उसके बाद 80 × 0.826 ये है 66.08, और उसके बाद 1080 × 0.751 ये आ रहा है 811.08. अब इन तीनों का आप समेशन कर दीजिए, इन तीनों का समेशन कर देंगे तो आएगा देखो 72.72 प्लस 66.08 प्लस 811.08. मैं रियल टाइम में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर सकें, आप भी साथ करते चलिएगा. 949.88, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं ये क्या बता रहे हैं कि बॉन्ड से जो पैसे मिल रहे हैं उन सबकी आज की रेट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है. इससे ज्यादा पैसे तो बॉन्ड को आप दोगे नहीं, जो भी आपको मिलना है बॉन्ड से उसका आज प्रेजेंट वैल्यू 949.88 है, यही प्राइस ऑफ बॉन्ड होना चाहिए. तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कितना आ गया जी आपके पास, प्राइस ऑफ बॉन्ड होगा समेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी आई, आई इज इक्वल टू 1 to k, यानी आ रहा है 949.88, 949.88. ठीक है, प्राइस ऑफ बॉन्ड क्लियर हो गया. जितने पैसे मुझे बॉन्ड से मिलने हैं उन सबकी आज की रेट की निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मैं उतने पैसे एट द मोस्ट दे सकता हूं, ज़रा नहीं दूंगा. इससे सस्ता मिलेगा तो कूद के ले लूंगा बॉन्ड को, तो लेकिन इतने पैसे देने पे मैं ब्रेक इवन पे हूं तो इतने पैसे मैं दे दूंगा. ठीक है, 949.88, तो ये मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड हो गया. अब मैं आपको वापस ड्यूरेशन के फॉर्मूले पे लेके चलता हूं. देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी, डेफिनेशन ये दी थी, ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड इज अ वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स, वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स. तो आप ये फॉर्मूला अगर देख रहे हैं, आप उस फॉर्मूले से उस डेफिनेशन, अभी मतलब पे मैं आऊंगा सर, ड्यूरेशन का मतलब क्या उस पर आऊंगा, समझाऊंगा मतलब भी, अभी मतलब पे नहीं हूं. मैंने सबसे पहले क्या पूछा था, निकालना सबको आता है ड्यूरेशन, मीनिंग व्हाट डज इट मीन, वो अभी आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगी बात, पहले कैलकुलेशन कर ले फिर मैं आपको समझाऊंगा. जब वो लोहा गर्म होगा तब चोट करने पे सीधा असर करता है, इसलिए तब तक वेट करना पड़ेगा. अभी मैं उस डेफिनेशन से इस फॉर्मूले को पहले रिलेट करता हूं. डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स. तो अगर मैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इसको फिर से एक अलग तरह से लिखता हूं. मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टी नॉट इंटू पीवी टी नॉट बाय पीवी प्लस टी वन इंटू पीवी टी वन बाय पीवी प्लस अप टू टीके इंटू पीवी टीके
बाय पीवी। आप देख लीजिए इन दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, यानी मैंने पीवी को ऐसे भी डिवाइड कर दिया और पीवी को ऐसे भी डिवाइड कर दिया, पीवी को ऐसे सबसे डिवाइड कर दिया और ये लिख दिया। अब ये क्या दे रहा है आपको? वेट एवरेज। ये वेट्स हैं W1, W2, तो समेशन WITI क्या हो जाएगा आपका? वेटेड एवरेज हो गया। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी वो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करता है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे टाइम और जो प्रेजेंट वैल्यूज आई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका समेशन करना है और उस समेशन को प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो यानी मुझे क्या करना है जी, यहां पर ये जो मेरे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आए हैं, इन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। तो टाइम यानी कि TI, तो मैं करूंगा TI इनटू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज 72.72 इनटू 1, ये तो 72.72 ही रहेगा, 66.08 इनटू 2, 2 8s are 16 होता है जी, ये 2 6s are 12, 132.16 और 811.08 इंटू 3, 3 8s are 24 हो गया, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 2 4 3 3.24। और अब इनको हमें ऐड भी करना पड़ेगा, मैं बहुत स्लोली चल रहा हूं इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना, मेरे साथ कैलकुलेशन करते चलिएगा। तो 72.72 प्लस 132.16 प्लस 2433.24, ये आ रहा है जी 2638.12। और अब फॉर्मूला क्या है ड्यूरेशन का? ड्यूरेशन का फॉर्मूला है समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K TI इंटू PVTI डिवाइड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K PVTI। तो ये TI और PVTI का समेशन जो है वो ये है 2638.12 और PVTI जो है वो ये है 949.88। इसका जब आप डिवीजन करेंगे, आप कोई बच्चा पूछेगा फॉर्मूला सर आपने बदल दिया? नहीं बदला नहीं है। देखो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बेसिकली ऊपर क्या है, ये TI इंटू PVTI है, दिस इज T0 इंटू PVT0, T1 इंटू PVT1 ऐसे करके। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है? समेशन TI इंटू PVTI, और नीचे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? इन सब PV का सम करके, नीचे समेशन PVTI। तो फॉर्मूला वही है, बदला नहीं है। अब इस डिवीजन को करते हैं, जरा कैलकुलेटर पे देखिए, 2638.12 डिवाइडेड बाय 949.88, यार 2.777, 2.78 कह सकता हूं इसको। डी इज इक्वल टू 2.78 ईयर्स, यानी जो ड्यूरेशन है बॉन्ड की ये 2.78 ईयर्स है। कैलकुलेशन तो समझ आ जाती है, मैकेनिकल सा काम है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको वापस से बोलता हूँ क्या करना है, जो कैश फ्लोज आपके पास आ रहे हैं, जो भी कैश फ्लोज क्वेश्चन बोल रहा है, उन कैश फ्लोज को लिखना है पहले, फिर सबकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो भी आपको फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, 1/1 r^t, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो DCF आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सम जो है वो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनटू टाइम करते हैं, उसका समेशन डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बॉन्ड, या ड्यूरेशन। मैकेनिकल काम बड़ा आसान है, मतलब मीनिंग। अब मीनिंग पे आते हैं, मैंने आपको एक डेफिनेशन और दी थी, वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि आपको इस बॉन्ड से कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, टारगेटेड कैश फ्लो क्या है, क्या क्या मिलेगा। देखो इस बॉन्ड से, ये सब यहां से जो मैंने कैलकुलेशन सब किया था निशान हटा देता हूं, इस बॉन्ड से मुझे 80 80 80, 3 बार 80 का कूपन मिलेगा और 1000 का मेरा को क्या मिलेगा लास्ट में मैच्योरिटी सम, तो 1240
ये मेरा टारगेटेड कैश फ्लो है। ये क्या है? टारगेटेड कैश फ्लो। अब ये टारगेटेड कैश फ्लो वो पैसा है जो बॉन्ड से मुझे मिलेगा, पूरा पैसा जो बॉन्ड से मिलने वाला है। कितना पैसा मिल रहा है मुझे बॉन्ड से? 1240। ये पूरा पैसा है जो मुझे बॉन्ड से मिलेगा। तो क्या ये पैसा मुझे 3 साल में मिलेगा? नहीं। ड्यूरेशन इज द टाइम विद इन विच दिस टारगेटेड कैश फ्लो कैन बी अचीव्ड। यानी ये टारगेटेड जो सम है, आई कैन गेट दिस टारगेटेड सम इन 2.78 ईयर्स। आप कहेंगे सर रुकिए 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 रुकिए, पहले साल 80 रुपए मिले, दूसरे साल 80 रुपए मिले, तीसरे साल 1080 रुपए मिले। पहले साल फर्स्ट ईयर ही गॉट 80 रुपीज, सेकंड ईयर अगेन ही गॉट 80 रुपीज, थर्ड ईयर ही गॉट 1080 रुपीज। तो 3 साल में मिल रहा है सर? नहीं, 2.77 या 2.78 जो भी आंसर आया, इतना ईयर से मिल रहा है, यही ड्यूरेशन है। कंफ्यूज्ड? नहीं सर, 3 साल में मिल रहा है। नहीं जी, मैं आप ही से, आपके एंड से मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं। बच्चा सामने बैठा बोल रहा है नहीं सर 3 साल में साफ नजर आ रहा है, 80 रुपीज मिले पहले ईयर में, 80 दूसरे ईयर में, 1080 तीसरे ईयर में, तो 3 साल में तो मिला। अब मेरा जवाब सुनिए, ये जो पहले साल में आपको 80 रुपए मिले थे, जेब में डाल लिए थे क्या? इससे हवा कर रहे हो अपने आप को, गर्मी लग रही है, इस 80 रुपीज का क्या करोगे? ये तो पहले साल के एंड में आपको 80 रुपीज मिल गए, इस कैलकुलेशन में इसका कहीं यूज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी में अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, आप 80 रुपए मत देखिए, मान लीजिए आपने 1 मिलियन यूनिट्स खरीदी हैं किसी बॉन्ड की, तो ये 80 मिलियन रुपीज हैं, इसको घर पे थोड़ी रख के बैठ जाओगे, इसको वापस मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10% है। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10% है। तो मतलब यह है कि ये जो 80 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। अब आइए, मैं जैसे मैंने कहा था, मैं ब्रिक्स एंड पीसेस में, थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। पहले आइए, जो आपको 80 रुपीज मिलते हैं, आपको जो पहले साल मिले 80 रुपीज, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में मिला और थर्ड ईयर के एंड में बॉन्ड की मैच्योरिटी, 2 साल के इन्वेस्ट कर दिया। तो 80 × 1.1 का स्क्वायर, ये कितने पैसे बनेंगे जब आप थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेंगे? कितने पैसे बनेंगे? 1.1 का स्क्वायर इंटू 80, ये बनेंगे 96.8। ये जो आपको बॉन्ड का कूपन मिलेगा, इसको थोड़ी जेब में रख के बैठ जाओगे, इसको भी तो इन्वेस्ट करोगे। तो मतलब थर्ड ईयर के एंड में आपके पास एक होंगे 96.8 रुपीज। फिर सेकंड ईयर के एंड में जो आपको कूपन मिल रहा है ये 80 रुपीज का, इसको क्या करोगे? इसको भी इन्वेस्ट कर दोगे, इस पे आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी 10% की जो आप सेकंड ईयर के एंड में मिल रहा है आपको, थर्ड ईयर के एंड में आपकी बॉन्ड की मैच्योरिटी, तो 1 साल के लिए आप इसको भी इन्वेस्ट करोगे। किस रेट पे? 10% पे, आपकी YTM 10% है। तो 80 × 1.1 यानी कितना हो गया? 88। और थर्ड ईयर के एंड में आपको 1080 रुपए और मिलने ही वाले हैं, 1080, इसको तो क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा है तो वही उसकी वैल्यू है। इन तीनों का समेशन कितना होता है जी? आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, इनका समेशन क्या रहा है? 96.8 प्लस 88 प्लस 1080, ये आ रहा है 1264.8। यानी अगर आप इस बॉन्ड को 3 साल तक होल्ड करते हैं, तो 3 साल होल्ड करने पर आपको मिलेंगे 1264.8। मगर आपका टारगेटेड कैश फ्लो कितना था? आपका टारगेटेड कैश फ्लो था 1240, आपको तो 1240 चाहिए था। अगर आप 3 साल होल्ड करते हैं तो आपको मिल रहा है 1264.8, यानी 3 साल होल्ड करने पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो आपको कम समय तक होल्ड करना है बॉन्ड को, और कितने समय तक होल्ड करना है वो 1240 लेने के लिए? 2.78 ईयर्स तक, यही ड्यूरेशन है। डेफिनेशन फिर से बताऊं, सेकेंड डेफिनेशन क्या दी थी? ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड। रिसीव्ड नहीं कहा था, अचीव्ड कहा था। अभी थोड़ी देर में अचीव्ड और रिसीव के चक्कर में भी पढ़ने वाला हूं। कितने समय में अचीव होगा? अगर 3 साल तक आप बॉन्ड को रखते हो तो आपको मिलेगा 1264.8, 1240 से पहले मिल जाएगा। कितने समय में? 2.78 ईयर्स में। अचीव्ड इसलिए कहा था क्योंकि एक्चुअली में आप 2.78 ईयर्स तक बॉन्ड नहीं रखने वाले हो,
ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन की बात है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन की बात है, इसलिए रिसीव्ड नहीं कहा था, अचीव्ड कहा था। कितने समय में वो आप माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, रिसीव तो आपको एंड में जाकर ही होंगे। और कितने पैसे मिलेंगे, 1264.80 मिलेंगे। आप थोड़ी 2.78 ईयर्स खत्म होने पे जाओगे कंपनी के पास, मेरे पैसे वापस कर दे भाई, मेरे को 1240 रुपये चाहिए थे, हो गए मेरे 1240, तेरे पास रखे रखे वापस दे दे। प्रैक्टिकलिटी पे ऐसा हो नहीं सकता ना, इसलिए मैंने क्या कहा था, अचीव्ड कहा था, रिसीव्ड नहीं कहा था। मिलेंगे तो 3 साल के बाद ही, और मिलेंगे 1264 रुपए, 1264.8 मिलेंगे। लेकिन 1240 आपको कब मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 2.78 ईयर्स में। ये है ड्यूरेशन। फिर से डेफिनेशन पे चलता हूं। ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच द टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड। जितने समय में टारगेट कैश फ्लो आप अचीव कर लेते हैं वो ड्यूरेशन है। और कितने समय में अचीव करें, आपने देखा यहां पर, अगर आप तीनों साल बॉन्ड को रखें तो आपको 1264.8 मिलता है, आपको चाहिए 1240, तो कम समय में अचीव कर पा रहे हैं, 2.78 ईयर्स में कर पा रहे हैं। अब मैं एक बेफिजूल का काम करना चाहता हूं, बेफिजूल, जो समझ गए उनके लिए अब जरूरत नहीं आगे कुछ करने की, वो समझ गए, अगले क्वेश्चन पे अब मैं चलूंगा, वहां आप देखना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये कुछ तो गड़बड़ है, अभी कुछ बात पूरी तरह समझ नहीं आई अभी तक, कुछ लग रहा है, कुछ कमी लग रही है अभी भी, तो मैं आपको सेटिस्फाई करके घर भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। लेकिन जो समझ गए वो समझ गए, उनके लिए आगे कहानी की कोई ट्विस्ट जो मैं अब लेने वाला हूं उसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको पूरी तरह सेटिस्फाई कर देना चाहता हूं कि ये 2.78 ईयर्स क्या है, ये ड्यूरेशन क्या है, पूरी तरह समझा देना चाहता हूं। आइए समझते हैं। देखिए सर, अब एक और कैलकुलेशन करते हैं। आपने 949.88 रुपीस दिए और बॉन्ड खरीद लिया, खरीद लिया जी, खुश हो गए, बॉन्ड मिल गया। एक साल बाद आपको 80 रुपीस मिले, फर्स्ट ईयर एंड, आपने, आपको 80 मिले, आपने इन्वेस्ट कर दिए। क्या किया इसको जी, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आप पहुंचे सेकेंड ईयर एंड में, ये जो आपने 80 रुपीस इन्वेस्ट किए थे इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 10% आपकी YTM है, तो 80 का 10% 8 होता है, 88 हो जाएंगे। और सेकेंड ईयर के एंड में आपको 80 रुपीज और मिल जाएंगे कूपन के, आपके उस कितने पैसे हो गए, 168 रुपीज हो गए। मुझे 1240 रुपए चाहिए सर, मेरा टारगेटेड कैश फ्लो, मैं जिद्दी आदमी हूं, ठीक है, मैं जिद्दी नहीं हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, मतलब जो हमारा इन्वेस्टर है जिद्दी आदमी है, कह रहे नहीं 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 मुझे 1264 रुपए से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मत दो 1264 रुपए, मुझे 1240 रुपए चाहिए। पिक्चर थी ना वो, कौन सी, किशोर कुमार वाला जो गाना था, 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया, ना 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 ना, 5 रुपए लेगा और 12 आने लेगा, उससे ना कम ना ज्यादा। तो ये भी वैसे ही कुछ आदमी है, कह रहा है भाई साहब मेरे को तो 1240 मतलब 1240 ही चाहिए। ठीक है जी, आपको 1240 मिलेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। पहले साल 80 मिले, मिले, इन्वेस्ट कर दिया, कर दिया, सेकंड ईयर में जाके 88 हो गए, हो गए, सेकंड ईयर के एंड में 80 और मिल गए, मिल गए। सेकंड ईयर के एंड में कितने पैसे हैं आपके पास, 168। अब जो थर्ड ईयर के एंड में आपको पैसे मिलने कितने हैं, वो है 1080 रुपए, 1080 रुपीज, वो थर्ड ईयर के एंड में मिलेंगे। आज सेकंड ईयर के एंड में उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1080 एट सेकंड ईयर एंड, कैसे निकालेंगे सर, 1080 डिवाइड बाय 1.1 कर दीजिए। जो एक साल बाद आपको, आपने क्या किया, एक आदमी को पकड़ा, क्योंकि ये जिद्दी आदमी है ना, ये कह रहा है भाई मेरे को 1240 ही है, इसने एक आदमी को पकड़ा, जरा सुन मेरी बात सुन, एक साल बाद मुझे 1080 मिलने वाले हैं, 10% का डिस्काउंट रेट है, 1080 डिवाइड बाय 1.1, 981.818, 981.82 कर लेता हूं मैं इसको। इसने कहा देखो एक साल बाद मुझे 1080 मिलने वाले हैं, 10% का इंटरेस्ट रेट है, हाँ जी है बिल्कुल, अभी मानता हूं, मैं ही मानता हूं, आज मुझे आप 981.82 रुपीस दे दो और ये 1080 लेने का राइट आपका हो गया, ये अधिकार आपका, आपको मिलेंगे फिर वो पैसे। ठीक है जी,
वो भी आदमी खुश है। आपने मतलब अपना बॉन्ड सेकंड ईयर के अंदर जाके बेच दिया, कितने का बेच दिया, 981.82 का। क्यों बेच दिया? क्योंकि आप जिद्दी आदमी हो भाई, आपको 1240 रुपए ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। ठीक है जी, बेच दिया बॉन्ड, कितने पैसे मिल गए, 981.82। पहले से कितने पैसे पड़े, 168 रुपीज। भाई आप जिद्दी नहीं हो, सॉरी। मतलब ये आदमी जो 1240 पे अड़ गया जाके, वो जिद्दी आदमी है, वो मान नहीं रहा बात को। 1240 मतलब 1240 कहानी अटक गई उसकी वहां पे जाके। तो 168 प्लस 981.82, 1149.82, इतने पैसे हैं उसके पास। अब लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में ये पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसको चाहिए 1240 रुपए। कितने समय के लिए इन्वेस्ट करे देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ए है 1240 जो उसको चाहिए, पी है 1149.82, रेट है 10% का 1.1 रेज टू पावर एन। तो 1240 डिवाइड बाय 1.1 कर दीजिए कितना आता है, 1240 डिवाइड बाय 1.1 कितना आता है, ये देख लेते हैं। 1240 डिवाइड बाय 1149, सही 1149.82 ये आता है 1.079। 1.079 इज इक्वल टू 1.1, क्योंकि ये आंसर 1.079 नहीं था और आगे भी था, तो इसलिए मेरा अब जो आंसर आएगा वो 2.77 की जगह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एन पीरियड्स में आपको ये पैसे मिलेंगे जी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, एन कैसे निकालूं, लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ 1.079 इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ 1.1, यानी एन क्या हो गया, लॉग ऑफ 1.079 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1.1। हाँ जी, लॉग ऑफ, अच्छा लिखा नहीं, 1.079 का लॉग यह है 0.0760, 0.07603, 0.07603 इतने से काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा सर। 1.1 का लॉग क्या आ रहा है, 0.09531, इसको डिवाइड कर दीजिए सर, डिवाइड करते हैं 0.07603 डिवाइड बाय 0.09531, यार है 0.797। मैंने कहा क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया है, राउंड ऑफ वाज रखी, इसलिए इतना फर्क आ रहा है, थोड़ा और मैं और नजदीक लेके जाता हूँ, देखिए उसको और नजदीक लेके जाएंगे, टेंशन मत लो, आप टेंशन नहीं, मतलब हमने करना है 1.079। अच्छा इसमें तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे पास एक दूसरा कैलकुलेटर है, मैं उसमें करता हूँ, मतलब फोन का कैलकुलेटर जो होता है उसमें करता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी आप कह लीजिए, मैं आपको वहां दिखाऊंगा। अभी देखिए, लॉग ऑफ 1.079 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1.1। तो ये भी यही आ रहा है, 0.79 आ रहा है। ठीक है, आपको अगर दिखा दूं मैं तो, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ नजर आया, लॉग ऑफ 1.079 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1.1 इज, कुछ ब्लैक सा हो गया स्क्रीन तो, ये चलिए जो भी, यानी 2 साल और 0.79 ईयर्स। तो ड्यूरेशन क्या हो गया, 2 प्लस 0.79 यानी 2.79। वहां 2.78 आया था वो, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ करी है, चीजों को दो बार राउंड ऑफ कर लिया, इसलिए ये हमने राउंड ऑफ करके निकाला, इसलिए थोड़ा फर्क आ रहा है, मैंने आपको उस समय वॉर्न किया थोड़ा फर्क आ सकता है। तो आप समझ गए आप ड्यूरेशन मतलब क्या है, कितना समय पैसा रखने पर, कितना समय बॉन्ड होल्ड करने पर मुझे ये टारगेटेड कैश फ्लो मिल जाएगा,
ये टारगेटेड कैश फ्लो मुझे कितने समय में मिलेगा जी? जितनी बॉन्ड की ड्यूरेशन है उतने समय में मिलेगा जी। क्लियर है बात? सो ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ टाइम विद इन विच द टारगेटेड कैश फ्लो इज अचीव्ड, नॉट रिसीव्ड, अचीव्ड। क्योंकि ऐसा सनकी आदमी तो शायद ही कोई हो जो ऐसा करे जो मैंने ये किया कि पहले फर्स्ट ईयर का कूपन ले लिया उसको इन्वेस्ट कर दिया, सेकंड का कूपन ले लिया उसको इन्वेस्ट कर दिया। ये तो रैशनल आदमी करेगा, ये तो कोई भी रैशनल करेगा शुरू के दो काम। तीसरा काम जो है किसी को पकड़ के बुला के ला गया, इधर 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 एक काम कर, ये बॉन्ड में से खरीद ले और मुझे 981 रुपये 981.82 दे दे और फिर इस सम को वो इन्वेस्ट कर देगा कितने ईयर्स के लिए, 0.79 ईयर्स के लिए। अब ये 0.79 ईयर्स के लिए कौन उसे पैसे लेगा, कौन देगा? इसलिए एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, आपको 3 साल बॉन्ड रखना होता है और 3 साल बॉन्ड रख के आपको इतने पैसे मिलते हैं 1264.8, 1240 बॉन्ड से मिलेंगे, बाकी जो आपको कूपन मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट करके जो पैसे मिल रहे हैं वो उसका समेशन। तो जितने समय में आप ये 1240 रुपए यानी जो टारगेटेड समय वो अचीव कर सकते हैं वो ड्यूरेशन है। ठीक है, यहां दो बातें मुझे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है कि अगर बॉन्ड जो है उसका उस ड्यूरेशन निकालते समय अगर ये YTM बढ़ जाए तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अभी तो 10% मिल रहा था, 80 रुपए का 10% मिल रहा था, अगर 20% हो जाए तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो यह टारगेट समय आपको जल्दी मिल जाएगा तो ड्यूरेशन जो है वो जल्दी आ जाएगा। यानी ड्यूरेशन का इनवर्स रिलेशन है YTM के साथ। पहली बात तो ये समझ आती है, ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड विद YTM। दूसरी बात यह समझ में आती है जो मैंने लिखी भी थी कि ड्यूरेशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैच्योरिटी। ड्यूरेशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैच्योरिटी के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जो टारगेटेड कैश फ्लो है वो आपको मैच्योरिटी तक मिल जाएगा, उसको पैसे नहीं मिलने, तो इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते। आप हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होती है, ज्यादा नहीं हो सकती ना। आज से 1 साल बाद की 1 लाख रुपए आज के 1 लाख रुपए नहीं हो सकते, आज से 1 लाख रुपए से ज्यादा भी नहीं हो सकते, ज्यादा तो के बराबर भी नहीं हो सकते, कम ही होंगे। तो एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आपके मन में आएगा और वो ये है कि सर फिर ड्यूरेशन तो लेस देन मैच्योरिटी होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू क्यों है, ये इक्वलिटी कहां से आ गई? इस बात को समझते हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं कि देखिए जो बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड पे अब कूपन मिलता ही नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन नहीं मिलता, जीरो कूपन बॉन्ड है ये। तो यानी 3 साल का बॉन्ड है मगर जीरो कूपन बॉन्ड है। तो आपको जो टाइम है वही लेना है, 1 2 3। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना कैश फ्लो मिल रहा है आपको? 0। सेकंड ईयर में 0। थर्ड ईयर में 1000 रुपए मिल जाएंगे। कूपन तो मिलता नहीं, जब फर्स्ट में नहीं मिलता, सेकंड में मिलता, थर्ड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड में भी आपको 1000 रुपए मिलेंगे। आपको कि सर मैं कोई पागल नजर आता हूं आपको, मैं फिर ऐसे बॉन्ड में पैसे के लगाऊंगा जहां इंटरेस्ट भी नहीं मिलता? अरे भैया सस्ता मिलेगा ना आज की रेट पे वो, समझो। ये जो 8% बॉन्ड था ये आपको 949 का मिला था ना, ये 949 का मिला था, जीरो कूपन बॉन्ड होगा, सस्ता मिलेगा। तो आप समझ लो एक तरह से आपने FD करा दी पैसे की, जो पैसे आज आपने जमा करा दिए कंपनी के पास, 3 साल बाद आपको 1000 रुपए बन के मिलेंगे। तो आज कितने पैसे देने हैं? आइए निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, PVF, वही आ रहा है PVF। तो क्या है जी PVF? 0.909.826.751, यही काम क्या? बाकी तो जीरो ही हो जाने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो 0 0 751। तो यानी आज ये बॉन्ड आपको 751 रुपए का मिल रहा है। आज ये बॉन्ड कितने का मिल रहा है? 751 रुपए का, 751 का। और अगर टाइम इनटू डिस्काउंटेड कैश फ्लो करता हूं मैं तो 1 × 0 0, यानी ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, 2 × 0 0 3 × 751, 0 3 × 751। और ड्यूरेशन क्या होगा? इसका समेशन बाय इसका समेशन, 3 × 751 / 751 यानी के 3। अब यहां पे आपको 3 साल ही ड्यूरेशन है, क्योंकि बीच में वहां पे फायदा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पैसे बीच में मिल रहे थे उसको आप री इन्वेस्ट कर रहे थे, उस री इन्वेस्ट करने के कारण आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, इसलिए आप जल्दी वो पैसा अचीव कर पा रहे थे। अब कूपन ही नहीं मिल रहा तो री इन्वेस्ट ही कुछ नहीं कर पा रहे, री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो वो जो जल्दी वाला एडवांटेज है वो खत्म हो गया। तो यहां पे ड्यूरेशन और मैच्योरिटी बराबर हो गया, मैच्योरिटी भी 3 साल, ड्यूरेशन भी 3 साल का। तो
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नजर आया हमारे को, जीरो कूपन बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है इट इज इक्वल टू मैच्योरिटी। प्रॉपर्टीज पे अभी आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, बस अभी तो एक आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं, क्या है ड्यूरेशन, व्हाट इज ड्यूरेशन। होपफुली आप समझ गए बात को। एक टारगेटेड कैश फ्लो है जो बॉन्ड से मिलता है, वो टारगेटेड कैश फ्लो कितने समय में हम अचीव कर सकते हैं, ये ड्यूरेशन। फॉर्मूला बहुत आसान है, अब मतलब समझ गए। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और आपको करके दिखाना चाहता हूं, ताकि एक आपका जो बेस है मजबूत हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको ड्यूरेशन निकालना आता होगा। आप बोलो ड्यूरेशन, अरे ए करके दिखाता हूँ, देख या फटाफट कर देंगे, आपके सामने आंसर लिख देंगे, अरे आंसर आ गया, अरे ये आंसर, मतलब तो मतलब पे तो उनको पता ही नहीं होगा मतलब क्या है। कुछ दाएं बाएं की बात बोलेंगे, बुकिश डेफिनेशन बोलेंगे, आप मतलब समझ गए, है ना। लेकिन कैलकुलेशन भी तो आपको करनी आनी चाहिए ना, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके और दिखाता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर करके दिखाऊंगा। तो देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है, अ 10% बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 एंड मैच्योरिटी एट 5th ईयर एंड YTM इज 12% फाइंड प्राइस ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। इससे पहले किया था वही क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की बात है सिर्फ। तो यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड है सर, तो टाइम लिखते हैं पहले, तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, और कैश फ्लो क्या मिल रहा है आपको, 10% बॉन्ड है, 10% मिलेगा किसका, 100 रुपीज का। तो 10 पहले साल, 10 सेकेंड ईयर में, 10 थर्ड ईयर में, 10 फोर्थ ईयर में, लास्ट ईयर में क्या मिलेगा, 10 रुपीज का कूपन मिलेगा, 100 रुपीज का मैच्योरिटी सम मिलेगा, तो 110 मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब 12% है, तो 1/1.12। कैलकुलेटर साहब आप आ जाओ सामने, 1/1.12 आ रहा है 0.8923। इसी को डिवाइड कर दो 1.12 से तो आंसर आ जाएगा, या तो 1/1.12 का स्क्वायर कर दो, या जो आंसर आ गया उसको फिर से कर दो 1.12 से डिवाइड, डिवाइड बाय 1.12 तो आएगा 0.797। ठीक है, ट्रिक बता दी मैंने आपको, अब जो आंसर आया उसको फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1.12 तो आएगा 0.7117, तो 0.712 कर लेता हूं। और जो अब आंसर है उसको करते हैं डिवाइड बाय 1.12 तो आ रहा है 0.6356 कर लेते हैं। और अब जो आंसर है उसको डिवाइड करना है फिर से 1.12 से, तो आ जाएगा आपके पास 0.5674, तो 0.567। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 0.893 × 10, 8.93, 7.97, 7.12, 6.36, लास्ट वाले को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई मेरे को, ये आएगा आपका कितना, 110 × 0.567 यार है 62.37। इनका सम करते हैं, ये प्राइस ऑफ बॉन्ड दे देगा आपको, 62.37 प्लस 6.36 प्लस 7.12 प्लस 7.97 प्लस 8.93, 92.75। यानी इस बॉन्ड के लिए आज आप 92.75 देने को तैयार हैं। तो इसका प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है, समेशन PVTI I इज इक्वल टू 1 to K, यार 92.75। ड्यूरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, करना ये पड़ता है कि टाइम को अब इन सब के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, इन सब के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो TI इंटू डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये 8.93, 7.97 इंटू 2 सर, 7.97 मल्टीप्लाइड बाई 2 यार आपका 15.94,
7.12 × 3, 21.36, और 6.36 × 4। वैसे तो मैं वर्बली कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है कई बार अगर एक भी गलती होगी तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं करना नहीं चाहता। 6.36 × 4 यार आपका 25.44। वैसे नजर आता है, देखो 4 को 6 से करते 24, और 36 × 4 144 होता है, तो 1.44 हो गया। 24 + 1.44 25.44, वर्बली नजर आता है, लेकिन ठीक है, रिस्क क्यों लेना, बेकार में अगर गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो लास्ट में 5 × 62.37, 311.85। ठीक है, वो क्या कहते हैं, दुर्घटना से देर भली। 311.85 + 25.44 + 21.36 + 15.94 + 8.93, 383.52। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k टी आई इंटू पी वी टी आई अपॉन समेशन पी वी टी आई, आई इज इक्वल टू 1 to k, यानी 383.52 डिवाइड बाय 92.75। इसको एक बार हम कर लेते हैं कैलकुलेट, 383.52 डिवाइड बाय 92.75 यार है 4.13, 4.13 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा है एक और, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ पाए कि प्रोसेस क्या है ड्यूरेशन निकालने की, होपफुली आप समझ गए। लेकिन देखिए यहां पे एक समस्या आपको नजर आनी चाहिए, मेरे को नजर आ रही है, वो ये है, 3 साल का था तो हमने कर दिया, 5 साल का भी कर दिया, 15 साल का होता तो, 25 साल का होता तो, और आगे ड्यूरेशन बढ़ा दो तो, अगर ड्यूरेशन मतलब अगर मैच्योरिटी दूर है तो क्या होगा, क्या मुझे इतना लंबा रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा बार बार ड्यूरेशन निकालने के लिए? जी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है, मैं कॉल ड्यूरेशन से हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, मैं कॉल ड्यूरेशन। ठीक है, फिलहाल की क्लास में आज मेरा पर्पस आपको ड्यूरेशन का कंसेप्ट समझा देना, कि अब देखो ये जो आदमी है इसको क्या मिलने वाला है, अब वही कंसेप्ट की बात करूं तो इसको मिलने वाले 150 रुपए, इसको ये 150 रुपए कमाने के लिए बॉन्ड को 5 साल रखने की जरूरत नहीं है, ये 150 रुपए इसको 4.13 ईयर्स में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, फिर से वही मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि यहां पे मैंने रिसीव नहीं कहा, अचीव कहा है, 4.13 ईयर्स में अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बता चुका हूं बार बार क्यों बोलना, कोई अगर ऐसा आदमी मिल जाएगा आपको जो बहुत स्टबन होगा, जिद्दी होगा, नहीं 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 मेरे को तो 150 रुपए ही चाहिए, तो वो ऐसे हरकत करेगा जो हमने पिछले एग्जाम्पल में की थी। अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज जैसे जैसे उसको 10-10 रुपए मिलते जाएंगे वापस री इन्वेस्ट करता जाएगा, अल्टीमेटली एंड ऑफ द 5 ईयर्स उसके पास 150 से ज्यादा पैसे होंगे, मगर 150 रुपीज वो अचीव कर सकता है 4.13 ईयर्स में। ये ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है, और कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो होपफुली कहानी आप समझ गए ड्यूरेशन की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसीलिए है, ये अचीव और रिसीव का जो डिफरेंस है, वो जो स्टबन वाला एग्जाम्पल है, और ये जो मीनिंग है इसका, ये इसको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनाता है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपसे वो अगर पूछेगा थ्योरी में तो आपको डेफिनेशन बुक ही लिख कर आनी है जो पहले दी थी, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स ऑफ कैश फ्लोज, डेफिनेशन वही लिख कर आनी है, कैलकुलेशन भी यही करनी है, लेकिन एक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लगाया इस लेक्चर को, जो मैं 20 से 25 मिनट में वाइंड अप कर सकता था, डेलिब्रेटली इसको मैंने लंबा किया,
आपको समझाने के लिए का मतलब क्या है इसका, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ड्यूरेशन का कंसेप्ट समझ गए। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको पता नहीं चली, कोई डाउट लग रहा है आपको, कुछ दिक्कत है, कोई अनसॉल्व्ड बात रह गई जो आपको समझ नहीं आई, तो वो आप मुझे फिर व्हाट्सएप कीजिए। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करके मेरे साथ डिस्कस आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।